वैदिक साधना जूनागढ़ अध्यात्म केंद्र में आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। वृषभ राशि वालों, आज का मानव इस प्रकार का जीवन जी रहा है कि उसे ज्ञात ही नहीं होता है कि कब उस पर यौवन काल आता है और कब उसकी शेष अवस्था समाप्त हो जाती है और इस बीच में भी व्यक्ति सफल नहीं हो पाता। दोस्तों, प्रारब्ध की बात छोड़ दे तो भी ईश्वर द्वारा कुछ वस्तुओं में धन प्राप्ति के गुण धर्म निर्मित किए गए हैं, यह बात निर्विवाद भी है, इसीलिए जीवन काल में साधना आवश्यक है। दोस्तों, मार्च महीने में एकदम से क्या होगा जो सब कुछ बदल देगा? क्या धनयोग आपको धन से मालामाल करेगा? क्या 1 से 30 तारीख के बीच में वांछित सफलता प्राप्त होगी? क्या कहते हैं अप्रैल महीने में आपके सितारे? इनके बारे में विस्तृत जानकारी देने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को न केवल ध्यान से देखना है लेकिन ध्यान से समझना भी है। दोस्तों, वैसे तो मैंने कोरोना को लेकर, राजनीति को लेकर, भूकंप को लेकर, हवाई दुर्घटना को लेकर कई सारी भविष्यवाणी की है और वह सारी 100% सच भी हुई है। यकीन के लिए आप ऊपर क्लिक करके हमारे पुराने वीडियो देख भी सकते हैं, लेकिन फिलहाल ग्रह गोचर की स्थिति के आधार पर जानते हैं वृषभ राशिफल अप्रैल 2023। वृषभ राशिफल 2023 के अनुसार अप्रैल 2023 आपके जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। इस महीने आपके जीवन में कई महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलेंगे और कई ऐसे क्षेत्र होंगे जहां पर आपका विस्तार भी होगा। व्यापार की दृष्टि से ढेर सारा लाभ मिलेगा। नौकरी की दृष्टि से नई संभावनाएं जन्म लेगी तो प्रेम और विवाहित जीवन को लेकर भी आपका यह पूरा महीना शानदार गुजरने वाला है। वृषभ राशि वालों, 17 से 22 अप्रैल के बीच एक तरफ कुछ चुनौतियां और बाधाओं का सामना आपको करना पड़ सकता है, लेकिन दूसरी ओर विकास और प्रगति के अवसर भी है, इसलिए आप स्वयं को तैयार रखें क्योंकि धन दौलत और प्रेम की स्वामी स्वयं शुक्र ग्रह जैसे ही 6 अप्रैल से आपकी कुंडली में देह भाव में पहुंचेंगे वैसे ही आपके जीवन में धन का आगमन होना शुरू हो जाएगा। आपको विदेश से धन मिलने के योग बनेंगे। अगर आपकी कोई जगह डील को लेकर बात चल रही है तो वह डील फाइनल होगी। जो डिग्री धारक किसी कंपनी में नौकरी के लिए अप्लाई किया है तो वहां पर आपको पसंद किया जाएगा। जिनकी उम्र 27 से 50 के बीच की है और वह कोई नया स्टार्टअप शुरू करना चाह रहे हैं या फिर जिन्होंने व्यवसाय के लिए योजना बनाई थी तो वह योजना अब साकार स्वरूप धारण करेगी, यानी कि आपका कार्य आगे बढ़ेगा। चाहे वह किसी सरकारी अधिकारी के द्वारा रुका हुआ था या फिर बैंक से लोन को लेकर व्यापार का विस्तार करना चाहते तो यह संभव होगा। दोस्तों, आज मुझे यह कहने में जरा भी हिचकिचाहट नहीं अनुभव हो रही है कि जो नौकरी पेशा अपने सैलरी में वृद्धि चाहते हैं तो आप थोड़ा सा प्रयत्न करेंगे तो जरूर मिलेगा। जो पिछले काफी समय से जीवन में खुशी को लेकर चिंतित थे उन्हें उनके आसपास सकारात्मक माहौल अवश्य प्राप्त होगा। दोस्तों, भले ही आप महीने की शुरुआत में थोड़ा बेचैन और अनिश्चित महसूस करते हैं कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं, लेकिन जब अप्रैल का एंड होगा तो आप स्वयं आश्वस्त होंगे और मुझे दिल से याद करेंगे क्योंकि ग्रहयोग आपके कार्य को सफल करेंगे। वृषभ राशि वालों, एक बात तो तय है, क्योंकि जब भी गुरु ग्रह लाभ भाव में उपस्थित होते हैं और वहां पर सूर्य का प्रवेश होता है, यानी कि 15 अप्रैल से ही सूर्य आपके आय के भाव में, लाभ के भाव में पहुंच जाएंगे, वैसे ही आपको उचित पद दिया जाएगा। जो जातक कई महीनों से स्थानांतरण की योजना बना रहे थे वह सफल हो गए। कंपनी आपको किसी अन्य जगह कार्य के लिए भेजेगी। इसके साथ साथ जो प्राइवेट जगह पर कार्य कर रहे उनके ऊपर भी उच्च अधिकारियों का हाथ रहेगा। आपको पद या फिर नए प्रोजेक्ट से संबंधित लाभ अवश्य प्राप्त होगा। दोस्तों, और वैसे भी हम जानते हैं आपके पास बहुत सारे विचार हैं, योजनाएं हैं और उन्हें लागू करने के लिए आपको सहायता चाहिए और वह सहायता अवश्य मिलकर रहेगी। एक बात मेरी नोट करके रख ले, जिनकी कुंडली में किसी प्रकार का दोष नहीं बन रहा होगा, कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत होगी तो इस महीने में आप लाखों पति या फिर करोड़पति भी बन सकते हैं। चाहे
आपके पास धन आकस्मिक रूप में आए, या फिर आप शेयर बाजार, गोल्ड एवं अन्य जगह से निवेश करके अचानक से लाभ में रहे, या फिर आप पुरानी प्रॉपर्टी को बेचकर गुप्त एवं आकस्मिक रूप से लाभ प्राप्त करें। इसके अलावा आप नई संपत्ति खरीदना चाहते या फिर अन्य जगह पर निवेश करना चाहते थे तो वह भी इस महीने संभव होगा, क्योंकि इस महीने धन योग के साथ साथ भाग्य आपका साथ देगा, जिसका सीधा मतलब है कि अप्रैल के महीने में लाभ से वंचित नहीं रहेंगे, यानी कि आपकी आर्थिक स्थिति में इजाफा होगा और वह 2-3 महीनों तक जारी रहेगा। दोस्तों, सूर्य उन लोगों की किस्मत चमकाने वाला है जो सरकारी सेवा कर रहे हैं, अधिकारी है, राजनीति से संबंध रखते हैं, फाइनेंसर है, प्रबंधक है, चिकित्सक है, इमारत बनाने का कार्य करते हैं, फोटोग्राफर है, अंतरिक्ष विज्ञान से जुड़े हुए है, या फिर बीमा एजेंट के तो क्षेत्र से जुड़े हुए है, तो यकीन से कहता हूँ आपके लिए ये महीना यादगार बनेगा। धन भी मिलेगा, पद भी मिलेगा और प्रतिष्ठा भी प्राप्त होगी। दोस्तों, जैसे जैसे महीना आगे बढ़ेगा आपको अपने व्यापार कार्य क्षेत्र में अधिक ध्यान केंद्रित करना होगा, स्वास्थ्य को संभालना होगा, जिससे आप अपने रास्ते में आने वाली किसी भी बाधा को दूर कर सके। दोस्तों, अप्रैल महीने में उन लोगों के लिए बड़ा चमत्कार होगा जो घर से दूर रहकर किस्मत के भरोसे बैठे हुए हैं। जी हाँ, आप गर्म प्रदेश या ठंडे प्रदेशों में निवास करते हैं तो आप सफलता प्राप्त करने के लिए तैयार रहे। आप विद्यार्थी हैं, शिक्षा के लिए प्रयत्न कर रहे तो उच्च शिक्षा के लिए आपको चुना जाएगा। जो अभी अभी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं उन्हें भी महीने के अंत से पहले नौकरी अवश्य प्राप्त होकर रहेगी। आप पिता या पारिवारिक काम को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आपको भी अपनों का साथ अवश्य मिलेगा। इसके साथ साथ कुछ लाभ आपके परिवार को भी मिलेंगे, यानी आपके कोई छोटे भाई बहन है तो उन्हें भी इस महीने अच्छी खुशखबरी मिलेगी। 23 अप्रैल के बाद आपके पिता को भी लाभ हो सकता है। दोस्तों, वीडियो को पूरा करने से पहले वह युवाओं को भी मैं कुछ बताना चाहता हूँ, क्योंकि इस माह में आपके प्रेम संबंध में परिवर्तन योग बन रहा है जो आपको नई साथी से मुलाकात करवा सकता है, यानी कि एक नई प्रेम कहानी की संभावना बन रही है। विवाह का अच्छा रिश्ता मिलेगा और जिनकी शादी टूट चुकी है या फिर विधुर है और अपने लिए साथी की तलाश कर रहे हैं, आप भी अपने जीवन की नई इनिंग शुरू करने के लिए तैयार रह सकते हैं। विवाह प्रेम विवाह की संभावना बन रही है। कुल मिलाकर अप्रैल 2023 वृषभ राशि के जातकों के लिए वृद्धि और प्रगति का महीना रहने वाला है, इसलिए सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखें और कड़ी मेहनत करें। आप अपने जीवन के सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति अवश्य प्राप्त करेंगे। जय गुरुदत्त, जय गिन्नारी।